नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं YouTube पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना एक सेटअप तैयार कर रहा था। मैं सोचा क्यों ना मैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने YouTube फैमिली के लिए बाइक राइडिंग का वीडियो शूट करूँ। उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, उसी को सेटअप करने में बहुत वक्त लग गया। तो इस समय जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये हमारे न्यू मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप है और हम बाइक चला रहे हैं। इस समय हम फ़िलहाल तो रिंग रोड पे ही हैं, अपने सारना क्षेत्र में ही। तो हमने सोचा कि उन अपने मोटो ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं एक बार रिंग रोड का वीडियो शूट करता हूँ अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ। तो एक्चुअली ये जो सेटअप है, मैं कुछ प्रोडक्ट अमेजोन से, कुछ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सुबह में शूट कैसे करूं, क्योंकि आज ये मेरा ट्रायल वीडियो शूट हो रहा है और मुझे भी नहीं पता है कि वॉइस कैसी जा रही है या क्या चीज़ें कैसी शूट हो रही है, मुझे कोई नहीं पता। मैंने ऑटो फोकस्ड ऑन किया है, सब कुछ सेटअप तैयार है, अब मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं एक्चुअली देख नहीं सकता, अब जब मैं अपने सिस्टम में इस वीडियो को डालेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो फ़िलहाल मैं रिंग रोड पे हूँ और ये रिंग रोड का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। संदाहा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि संदाहा में आप जाएंगे तो वहीं पे दाहिने मुड़ेंगे तो बनारस के लिए चले जाएंगे, अगर बाएं मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे गाजीपुर, गोरखपुर वाला रूट है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो ये रूट आपका चला जाएगा बाभनपुरा की तरफ, जहाँ पे 6 लेन केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। जैसा कि मैं अपने YouTube पे 3 महीने पहले वहाँ का वीडियो शूट किया हूँ, मैं डाला हूँ, आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रोड सीधे, अगर रिंग रोड की बात की जाए तो ये राजा तला से शुरू होके सारनाथ होते हुए, संदाहा होते हुए आपका गंगा में 6 लेन केबल ब्रिज को क्रॉस करके हम निकल जाएंगे आपका चंदौली ज़िला। चंदौली ज़िला से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे पूरा का पूरा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो सीधे सीधे जाना चाहते हैं, ये रिंग रोड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा भी रहा है। एक्चुअली उधर पे आप देखे होंगे ब्रिज था, तो वहाँ पे वीडियो मैंने शूट किया, इधर पे लाइटें नहीं है। अब हम ये जब जाएंगे संदाहा के पास तभी लाइटें देखने को मिलेंगी। यही कुछ है रात के, हमें लगता है अभी टाइम तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम रात को निकला था और फ़िलहाल मैं रिंग रोड पे ही हूँ जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं सोचा क्यों ना एक नाइट राइड करते हैं और अपने सेटअप को चेक कर लेते हैं। ये तो मेरा ट्रायल होगा, अगर ये मेरा सेटअप अच्छा सा काम करेगा तो मैं बहुत सारे अब अपकमिंग वीडियो मोटो ब्लॉगिंग के ज़रिए आप लोग से मैं जुड़ा रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मेरे मोटो ब्लॉगिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला ही है। मैंने इसके बाद बहुत सारा वीडियो शूट किया है मोटो ब्लॉगिंग का, लेकिन क्या हुआ कि उसमें वॉइस अच्छी नहीं आती थी या माइक प्रॉब्लम हो जाता था, तो माउंट अच्छे से काम नहीं करता था, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं उस चीज़ को दूर करने के लिए मैं माउंट ख़रीदा और सब कुछ, ये फरीदपुर का बोर्ड लगा हुआ है जो हम अभी ये जो ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, इस आरओवी ब्रिज है जो सारनाथ रेलवे स्टेशन होते हुए आपका कादीपुर वाराणसी जंक्शन चला जाता है, वो वाला रूट है। एक्चुअली इधर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई लग रहा है लाइट में, इसलिए यहाँ की लाइटें नहीं चल रही हैं, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर दिन इवनिंग में शाम ढलते ही मैं रिंग रोड का ज़रूर चक्कर काटता हूँ, मैं इधर आता रहता हूँ, क्योंकि जब भी जाना वाना होता रहता मैं शाम को एक बार बाइक ज़रूर निकालता हूँ घूमने टहलने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए, तो एक्चुअली मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सुनी है मेरी भी बात, मैंने मोटो ब्लॉगिंग के बारे में सोचा, तो मैं सोचा क्यों ना मोटो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और क्या है कैसे है। तो अब हमको तो नहीं पता वीडियो शूट हो रहा है कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे से शूट हो रहा होगा और अच्छे से काम कर रहा होगा।
थोड़ा मोशन सेंसर तो मैंने ऑन किया है, लेकिन अब नहीं पता है कि नाइट है, विजिबिलिटी है ही नहीं, और मेरा हो सकता है मैं चेक करने आया हूँ तो सही ही होगा, लेकिन रात का समय है, ये दिन में मोटो ब्लॉगिंग शूट किया होता तो अच्छा होता। रिंग रोड पर भाई साहब बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं और इस पर साइकिल चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए आगे सर्विस लेन रोड है, लेकिन इस पर सर्विस लेन नहीं है। आगे आप मोहनसराय से इधर जब जाएंगे रामेश्वर की तरफ, उधर पे हैं, हाँ जलालपुर सीधे गाजीपुर बाएं, तो भाई साहब लग रहा है इधर लाइट ही नहीं है और मैं अंधेरे में आपको क्या ही दिखाऊं। देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक, अपोजिट लेन में आ रहे हैं, ऐसे ही दुर्घटना होती है। ये देख लीजिए आप लोग, ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा है जो चौराहे पे, अब गाजीपुर बनारस और चंदौली और ये जो रिंग रोड हम जिधर से जा रहे हैं ये उसका ब्रिज है। काम काफ़ी तेज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। हम लोग संदाहा चौराहे पर पहुंच चुके हैं, ये संदाहा चौराहा है, यहाँ पूरा काम हो चुका है लगभग ब्रिज का ऊपर में, और ये सब काम हो रहा है नीचे का, तो यही है संदाहा चौराहा।